इज पॉजिटिव रियल नंबर, जब एक्स पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उस केस में देखिए अभी हमारी डेफिनेशन से ही है, हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एफ एक्स की वैल्यू हमें माइनस वन गिवन है, सो देन एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब माइनस वन क्या है? माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन फुल सेट ऑफ रियल नंबर। एफ एक्स बींग कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर फुल सेट ऑफ रियल नंबर। एफ एक्स बींग कॉन्स्टेंट फंक्शन होने के कारण ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा पूरे रियल नंबर के सेट पर। अब केस टू, केस टू क्या है? इफ एक्स इज लेस देन जीरो, जब पॉजिटिव है, और जब ये पहले पॉजिटिव वाला केस ले लिया, पॉजिटिव वाले केस में हमारे पास माइनस वन थी वैल्यू, अब नेगेटिव वाला, नेगेटिव मींस व्हेन एक्स इज नेगेटिव रियल नंबर, फुल सेट ऑफ रियल नंबर हैविंग नेगेटिव वैल्यूज, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अभी देखिए हमने मॉडुलस एक्स की जब डेफिनेशन अप्लाई की थी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? तब भी हमारे पास माइनस वन आई है, तो एफ एक्स क्या हो गया? अगेन माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो, जब एक्स लेस देन जीरो है तो भी इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? माइनस वन। तो अगेन वही रीजन हो जाएगा सेम, दैट एफ एक्स बीइंग कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर फुल सेट ऑफ रियल नंबर। fx being constant function is continuous for full set of real number. अब इसके बाद देखिए केस थ्री, वही मैंने आपको कहा कि पूरे इसके लिए हमें तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, और x जीरो के बराबर है। केस थ्री ले लिया when x इक्वल टू जीरो, अब देखिए जब वेन एक्स जीरो के बराबर है तो क्या होगा? इस केस में जीरो पर देखिए, यहां पर लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन के दो पार्ट्स हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहा है, तो इसके लिए हमने क्या ले लेनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, ये ऊपर हम थोड़ा माइनस का निशान लगाते हैं, ये किस लिए लगाते हैं? माइनस मीन्स जीरो से स्लाइटली लेस, जीरो से थोड़ा सा कम है, जीरो से हल्का सा कम, नॉट एग्जैक्ट जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, जीरो से स्लाइटली लेस। तो उसके लिए हमने एफ एक्स देखना है हमारा क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, उसमें देखिए जीरो से लेस, जीरो से लेस में अब हम फंक्शन में देखेंगे, जीरो से लेस में हमारा जब मॉडुलस की हमने वैल्यू अप्लाई की थी तो हमारी वैल्यू क्या आई थी यहां पर? जीरो से लेस के लिए माइनस वन आई थी, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी? माइनस वन, क्योंकि यहां पर एक्स है ही नहीं, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी? माइनस वन ही रहेगी। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या किया? जीरो प्लस, जीरो प्लस का मतलब जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे अभी मैंने आपको बताया लिमिट क्या होता है, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, आइदर फॉर नेगेटिव लेस देन, लेफ्ट हैंड लिमिट में जीरो से कम है तो स्लाइटली लेस होती है, और जीरो प्लस, जीरो के ऊपर यहां प्लस लगाते हैं, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा, स्लाइटली थोड़ा सा हल्का सा बड़ा लेते हैं हम जीरो प्लस, तो उसमें एफ एक्स की वैल्यू क्या है वो हमारे फंक्शन में ही देखनी है हमने कहां पर है, तो x ग्रेटर देन जीरो वाला देखेंगे, तो x ग्रेटर देन जीरो पे तो हमारे पास फंक्शन में ऑलरेडी माइनस वन थी ही वैल्यू, तो वो भी क्या हो गई हमारे पास राइट हैंड लिमिट में, वो भी वैल्यू आ गई माइनस वन, वो भी वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन। यहां पर अगेन वी डोंट हैव x, यहां भी हमारे पास x नहीं है, तो
तो हम क्या लिख लेंगे, इसकी वैल्यू को भी माइनस वन ही लिख लेंगे। तो अब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस वन आ गई है, राइट हैंड लिमिट भी माइनस वन आ गई है। अब जो थर्ड हम लेंगे वो क्या लेंगे, एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो मतलब जीरो पर, जीरो की वैल्यू हमने ये देख लिया है कि जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर इक्वल का साइन कहाँ पर है। देखिए इक्वल का साइन यहाँ है, तो जहां पर इक्वल का साइन होता है वही पॉइंट हमने उठाना होता है। तो इक्वल टू जीरो के लिए हमारे पास वैल्यू क्या थी, एफ एक्स की माइनस वन। तो एफ ऑफ जीरो क्या हो गया, माइनस वन। अब तीनों वैल्यू सेम आ गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो, जो भी पॉइंट होता है। अगर यहां पर वन होता तो वन के लिए चेक करते, क्योंकि यहां पर जीरो पे स्प्लिट हो रहा था तो जीरो पे चेक करेंगे। अगर यहां वन होता, वन पे स्प्लिट होता तो हम वन पे चेक करते। तो इसलिए हमने जीरो पे चेक किया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो ये तीनों वैल्यूज ही इक्वल आ गई है। तीनों वैल्यूज किसकी इक्वल आई है, सारी की सारी वैल्यूज ये माइनस वन के इक्वल आई है। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। तो fx पे कॉन्टिन्यूस आ गया, जीरो पे भी कॉन्टिन्यूस आ गया। अब देखिए जब नेगेटिव रियल नंबर थे तब भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, पॉजिटिव रियल नंबर थे तब भी कॉन्टिन्यूस आया, जीरो पर भी क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस। तो तीनों केसेस में ये कॉन्टिन्यूस है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस फॉर फुल सेट ऑफ रियल नंबर। ये जो R होता है ये होता है फुल सेट ऑफ रियल नंबर। तो पूरे रियल नंबर के सेट पर ये हमारा फंक्शन क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया। थैंक यू। धन्यवाद जी। आज का ये प्रश्न जो है काफी अच्छे से मैंने समझाया है और निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के अगले विषय की ओर, और अगले विषय में हमारा विज्ञान विषय का पैनल में है हमारे साथ पूजा मैडम जो कि केमिस्ट्री की प्राध्यापिका हैं, प्रदीप सिंह जी जो कि फिजिक्स के प्राध्यापक हैं, और तिलोक चंद जी जो भी फिजिक्स के प्राध्यापक हैं। तो ये हमारा आज का विज्ञान विषय का पैनल है, और सर्वप्रथम का जो विज्ञान का प्रश्न आ रहा है वो है, माय नेम इज तान्या सिंह, आई स्टडी इन प्लस वन क्लास इन जीएसएस रामगढ़, एंड माय क्वेश्चन इज, अ नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब कंटेन एयर इनक्लोज्ड बाय 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ मर्करी, व्हेन द ट्यूब इज वर्टिकल विथ ओपन इन अपर मोस्ट एंड द एयर कॉलम इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हेन द ट्यूब इज इनवर्टेड द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम बिकम 45 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नमस्कार बच्चों, मैं प्रदीप सिंह, पीजीटी फिजिक्स। आपकी एक प्रॉब्लम आई है प्लस वन क्लास से, काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड है, उसी की शंका निवारण कर रहा हूं मैं। प्रश्न ये है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म नैरो ग्लास ट्यूब है, जब वो वर्टिकली विद ओपन एंड अपर मोस्ट साइड होगी, तो उस टाइम 30 सेंटीमीटर का एक एयर कॉलम उसमें ट्रैप हो रहा है विद द हेल्प ऑफ 15 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम। मैं यदि हम इसको डायग्राम में कन्वर्ट करें तो हमारे पास इस तरह से है कि एक ट्यूब है, नैरो ट्यूब ऑफ सम लेंथ, ट्यूब लेंथ इज नॉट मैटर हियर, एक 15 सेंटीमीटर का मर्करी कॉलम इसके अंदर है। सपोज करिए ये पोर्शन आपका 15 सेंटीमीटर का मर्करी कॉलम है, एंड दिस इज ऑफ 15 सेंटीमीटर। उस सिचुएशन में जो ये एयर पार्ट है इसमें, दिस इज योर एयर, दिस इज योर मर्करी, ये जो मर्करी है ये आपकी 15 सेंटीमीटर की है, और एयर कॉलम इसके अंदर जो ट्रैप हुआ है वो 30 सेंटीमीटर का है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, जब इस ट्यूब को इन्वर्टेड कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे मीन्स इसको उल्टा कर दीजिए, तो जब इसको उल्टा करेंगे हम लाइक दिस, तो इसको उल्टा करने से जो एयर ट्रैप होगा उसकी जो लेंथ है वो आपकी 45 सेंटीमीटर हो जाती है, एयर ट्रैप जो इसके अंदर है, एयर कॉलम की जो हाइट है जो पहले 30 सेंटीमीटर थी, मीन्स आपका एयर जो मर्करी है थोड़ा सा और नीचे की तरफ, इसके हिसाब से नीचे, इस हिसाब से ऊपर की तरफ चला जाएगा जब इसको उल्टा करेंगे। तो लाइक
ये आपका मर्करी कॉलम है जो इसके अंदर ट्रैप हो गया, ये है मर्करी, ये एयर, इसकी हाइट जो अब हो गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वह अभी भी वही 15 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न क्वेश्चन ये है हमारा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे तो हमें नोन होता है, बट यहां पे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे फाइंड आउट की कर सकते हो वो आपको डिस्कस करना है। अब इसमें इस सिचुएशन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा इसके ऊपर से ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर से लग रहा है, मींस ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो मर्करी कॉलम है 15 सेंटीमीटर का वो दोनों यहां पे एयर को पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, कंप्रेस कर रहे हैं। एंड इन दिस सिचुएशन सिंस द ओपन एंड इज इन डाउनवर्ड साइड तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगेगा वो नीचे से लगेगा लाइक दिस। इट मींस जो ये एयर कॉलम है हमारा जिसका वेट नीचे की तरफ आ रहा होगा दैट इज बैलेंस्ड बाय दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस मर्करी कॉलम। बट अब जो पॉइंट है यहां पे वो ये है कि जो यहां पे एयर हो रही है कंप्रेस हो रही है वो बाय द हेल्प ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज ड्यू टू दिस मर्करी, क्योंकि मर्करी भी नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा तो दोनों सेम सेम डायरेक्शन प्रेशर लगा रहे हैं। बट इन दिस सिचुएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन व्हाइल मर्करी कॉलम प्रेशर इज एक्टिंग ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस के कारण यहां एयर कॉलम जो है उसकी जो हाइट थी 30 सेंटीमीटर की बजाय इंक्रीज होकर 45 हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पे नेट प्रेशर डिक्रीज हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस मर्करी कॉलम के कारण जो प्रेशर लग रहा है। ठीक, साथ में हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो यहां पे ट्यूब है उसका अपना कुछ एरिया क्रॉस सेक्शन है, लाइक ये ए एरिया क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है, इन बोथ केसेस इट विल रिमेन सेम। तो एरिया क्रॉस सेक्शन यहां पे ट्यूब का हमने अपनी तरफ से ए कंसीडर कर लिया। सो इन दिस सिचुएशन योर प्रेशर इनटू वॉल्यूम रिमेन सेम, P1 V1 एंड P2 V2 ऑफ द बोथ कंडीशंस रिमेन सेम, वन मींस दिस कंडीशन, टू मींस दिस वन। तो पहले केस का प्रेशर कितना है, मींस दिस वन, इन दिस सिचुएशन प्रेशर इज, टोटल प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम रो जी H1, H ले लेते हैं क्योंकि मर्करी कॉलम की हाइट दोनों बार सेम ही है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर प्रेशर ड्यू टू मर्करी, चलो हम पहले एक बार मर्करी लिख लेते हैं कि प्रेशर ड्यू टू मर्करी, दिस इज योर P1 इनटू V1, V इज योर वॉल्यूम, वॉल्यूम ये सिलेंडर है तो सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला अब पाई आर स्क्वायर लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर यहां पे एरिया बन गया A इंटू H। तो इस सिचुएशन में एरिया A, दोनों ही सिचुएशन का एरिया A रहेगा लेकिन H क्या है यहां पे, वॉल्यूम गैस का एयर का जो यहां चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर एग्जर्टिंग ऑन दम। तो यहां पे जो H है एयर का वो है 30, तो V1 इज योर A इंटू 30। नाउ द प्रेशर ऑफ दिस सेकेंड सिचुएशन मीन्स दिस वन, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है माइनस जो मर्करी का प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा होगा, बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इन माइनस साइन, प्रेशर ड्यू टू मर्करी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज अगेन ए एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ट्यूब विच रिमेन द सेम इन बोथ सिचुएशंस इनटू हाइट, हाइट यहां हाइट एयर की 45 है तो ये एक चेंज आया कि ये 45 हाइट हो गई, ए से ए कैंसिल हो जाएगा आपके पास, आप कट करना चाहे तो इसको भी कट कर सकते हैं 15 के टेबल से। चलिए हम पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, पी एटमॉस्फेरिक प्लस इट इज योर रो जी एच, रो मींस योर डेंसिटी ऑफ द मर्करी, मर्करी डेंसिटी हम ले रहे हैं रो हियर, जी एज यूजुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेम हियर पी एटमॉस्फेरिक माइनस रो जी एच,
एच दोनों बार सेम है मर्करी का, मींस डेंसिटी दोनों बार सेम, हाइट दोनों बार सेम, इसलिए रोजीएच रोजीएच दोनों बार सेम लिया हमने। ठीक, यहां पे 30 है, यहां पे 45 है, 5, 15 2 30, 15 3 45। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2 एटमॉस्फेरिक प्लस 2 रोजीएच, हियर वी हैव 3 एटमॉस्फेरिक माइनस 3 रोजीएच। तो इसे सिंप्लीफाई करिए, 2 एटमॉस्फेरिक ले जाओगे तो 1 एटमॉस्फेरिक बच जाएगा आपके पास, 3 माइनस 2 ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 5 रोजीएच। नाउ सिंप्लीफाई कैसे, रो डेंसिटी ऑफ द मर्करी जी पता है, एच 15 सेंटीमीटर, सब वैल्यूज पता है हमें, हम सबको रिप्लेस कर सकते हैं। बट एक और पॉइंट, यदि आपको पता है तो पुट करिए, नहीं तो आप एक सिंपल वे में ले सकते हैं, एच इज योर 15, तो 5 इंटू 15 इंटू रोजी मीन्स 75 रो जी, एंड दिस इज योर फॉर मर्करी, सो दैट्स वाई इट बिकम्स योर 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। दिस इज योर एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द सेंस ऑफ मर्करी, 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, दिस इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर विच वी हैव फाइंड आउट हेयर। तो जस्ट कंसेप्ट को ध्यान रखना है यहां पे, कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, यहां पे प्रेशर ज्यादा है इसलिए वॉल्यूम कम है, यहां पे प्रेशर कम हुआ है तो वॉल्यूम बढ़ गया, इसलिए प्रेशर टू वॉल्यूम ऑफ बोथ कंडीशंस रिमेन सेम, दोनों बार प्रेशर्स अलग अलग हैं। यही मेन था हमारा कि यहां पे दोनों ऐड हुए हैं, यहां पे दोनों माइनस हुए हैं, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बाकी लास्ट में फिर हमने एक ये पॉइंट फॉलो किया है कि रोजी को आप रो ना पुट कर लीजिए, आप एज इट इज रख लीजिए, नो प्रॉब्लम, बस वो सेंटीमीटर ऑफ एच डी बन जाएगा। आप रो की वैल्यू रिप्लेस भी कर सकते हैं और उससे आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद जी। विद्यार्थियों को मैं समझता हूँ कि काफी अच्छे तरीके से यह प्रश्न समझाया गया है और उनका शंका जो भी इस प्रश्न के संबंध में है उसका समाधान हो गया होगा। अब हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। मैम, मेरा नाम दिनेश है, मेरा आज का सवाल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे नाम दिया जाता है? Myself, पूजा गुप्ता, लेक्चर केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 पंचकुला। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो प्लस वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेम्ड? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग का पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि दो तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। एक तो है कॉमन सिस्टम, जिसको हम ट्राइबल सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है वो उसके सोर्स के बेस पर कि कहाँ से उस सब्सटेंस की उत्पत्ति हुई है, कैसे वो सब्सटेंस प्रिपेयर किया जाता है, उसके बेस पर हमने उसकी नेमिंग की थी। और दूसरा जो हमारा मेथड है नेमिंग का वो है IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो सिस्टम है वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग का बेस्ट मेथड देता है। तो आज हम IUPAC नेमिंग के ही कुछ डिटेल्स करेंगे। IUPAC नेमिंग, जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते हैं IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। इसमें जो पहला पार्ट है दैट इज वर्ड रूट, जो सेकंड पार्ट है दैट इज सफिक्स, एंड द थर्ड पार्ट इज प्रीफिक्स। सबसे पहले हम वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे कि वर्ड रूट क्या होता है। इट डिनोट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रिंसिपल चेन, और यू कैन से पेरेंट चेन और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन।
कार्बन चेन, जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन है उसी को हम पेरेंट चेन कहते हैं, उसी को हम प्रिंसिपल चेन कहते हैं, उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, इट इज डिनोटेड बाय द वर्ड रूट। जैसे अगर उसके अंदर सिर्फ एक कार्बन एटम है, C1 मतलब वन कार्बन एटम, तो उसके लिए जो हम वर्ड रूट यूज करते हैं दैट इज मिथ। अगर उसमें दो कार्बन है तो उसके लिए जो वर्ड रूट होता है दैट इज इथ। थ्री कार्बन के लिए वर्ड रूट है प्रॉप। फोर कार्बन के लिए ब्यूट। फाइव कार्बन के लिए पेंट। सिक्स कार्बन के लिए हेक्स। सेवन कार्बन के लिए हेप्ट। एट कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ऑप्ट। नाइन कार्बन के लिए नॉन। और टेन कार्बन के लिए हम यूज करते हैं डेक। उसके बाद कार्बन नंबर 11 है तो हम अनडेक, 12 है तो डोडेक, ट्राइडेक, इस तरह से हम आगे आगे नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग जो वर्ड रूट है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो जो पहला पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट इज द वर्ड रूट विच डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन हम कैसे निकालते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट इज सफिक्स। सफिक्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है? सफिक्स जो किसी भी वर्ड के बाद में आता है उसको हम कहते हैं सफिक्स। यहां पर जो सफिक्स है वह हम वर्ड रूट के बाद में ऐड करते हैं। सफिक्स विच आर एडेड आफ्टर वर्ड रूट। आफ्टर वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद में हम इनको ऐड करते हैं। तो सफिक्स इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं ये। पहला है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। जो प्राइमरी सफिक्स है वो हमें क्या बताता है कि जो आपकी कार्बन चेन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। इट टेल्स अबाउट सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन इन द कार्बन चेन। इट टेल्स अबाउट द सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन इन द कार्बन चेन। सैचुरेशन का मतलब क्या है? व्हेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तब हम जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या यूज करेंगे? एन। एन इज द प्राइमरी सफिक्स यूज्ड आफ्टर वर्ड रूट। क्लियर? अगर यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी तो एन होगा प्राइमरी सफिक्स, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हम सफिक्स यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल this compound, this compound has two carbons in the chain, so its word root is eth, and it is a saturated compound, all are single bonds between carbon atoms, so an is a primary suffix, so this name of this compound is ethane. ठीक है, clear? Similarly this compound two carbons and unsaturation double bond, so ethene। इसी तरह से ये जो कंपाउंड है इसका नाम होगा इथाइन। ठीक है, एक और कंपाउंड हम लेते हैं जैसे कि ये कंपाउंड है, इसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स हैं। अगर दो डबल बॉन्ड्स हैं तो हम ईन की बजाय डाई ईन वर्ड यूज करेंगे। डाई का मतलब दो,
तो हमने एक एक्स्ट्रा ये यूज करना है प्रीफिक्स इसमें इन के साथ डाई इन की दो इसमें डबल बॉन्ड है. ऐसे ही दो अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगी तो डाई आइन वर्ड यूज को हम यूज करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग में. ठीक है, दिस इज अबाउट द प्राइमरी सफिक्स. नाउ द सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. जो सेकेंडरी सफिक्स है वो हम प्राइमरी सफिक्स के बाद यूज करेंगे. पहले वर्ड रूट, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सैचुरेशन अनसैचुरेशन, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स मींस नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो इसमें जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके लिए हमारे पास अलग अलग सफिक्स है. उस सफिक्स से हम ये पता कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. धन्यवाद जी. विद्यार्थियों को मैं समझता हूँ कि काफी अच्छे तरीके से यह प्रश्न समझाया गया है और उनका शंका जो भी इस प्रश्न के संबंध में है उसका समाधान हो गया होगा. अब हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर. नमस्कार बच्चों, मैं प्रदीप सिंह, पीजीटी फिजिक्स प्लस वन क्लास से वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर से रिलेटेड एक और छोटी सी प्रॉब्लम आई है जो फॉर्मूला के बेस पे आराम से सॉल्व कर सकते हो. बस उसके कंसेप्ट को समझे. क्वेश्चन ये है कि इन SHM, सपोज ये मीन पोजीशन है, इन SHM व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर द वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर द वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड. Means, sorry, 4 meter, 3 meter, 3 meter per second, 4 meter. Means, suppose यहाँ तक ये acceleration इसकी amplitude है, हमें नहीं पता कितना amplitude है, वो पहले हम find out करेंगे. जब displacement 3 meter है, suppose ये 3 meter की displacement है, तो इस point पे जो velocity है, वो 4 meter per second है, according to the question. When the displacement is 4 meter, suppose ये 4 meter है, the velocity is 3 meter per second. Since we are going towards the mean position, towards the extreme position, from mean to extreme, pehle 3 aega fir 4 aega, to velocity is decreasing as you are seeing here. At the extreme position velocity becomes 0. Yahan pe jo bhi extreme position hogi jiska hum amplitude a lete hain, a meter mein ho jayega wo, to iska jo amplitude hai a meter jo hume find out karna hai, amplitude hota hai ye. यहां पे जो भी वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी. जस्ट फॉर इंस्टेंट के लिए वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है. तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट. अब आपने सिंपल वे में एक वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है. v इज इक्वल टू ओमेगा r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. y इज योर डिस्प्लेसमेंट. अब इस इक्वेशन दोनों सिचुएशंस में हम 1/1 अप्लाई करते हैं. इन फर्स्ट सिचुएशन वेलोसिटी इज योर 4, ओमेगा पता नहीं अभी, आर का मतलब यहां पे एम्पलीट्यूड है जो हमें फाइंड आउट करना है. वाई, व्हेन द वेलोसिटी इज 4 वाई इज 3, तो 3 का स्क्वायर. जब इसी इक्वेशन में दूसरी सिचुएशन पुट करते हैं वी की वैल्यू 3, दिस वन ओमेगा पता नहीं, आर एम्पलीट्यूड पता नहीं अभी हमें, वाई की वैल्यू इन दैट सिचुएशन इज 4 का स्क्वायर. इसकी स्क्वायरिंग एंड डिवाइडिंग करें दोनों इक्वेशंस को. लाइक 16 का 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसकी और इसकी स्क्वायरिंग करेंगे और डिवाइड भी करना है. डिवाइड करेंगे तो ओमेगा तो वैसे ही कैंसिल, स्क्वायरिंग करोगे तो अंडर रूट कैंसिल. मींस आपके पास ऊपर बचेगा आर स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करना है पहले आपने, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करिए. और आर, आर मीन्स हियर योर एम्पलीट्यूड, कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो एक्सट्रीम पोजीशन है.